एक बहुत ही अनफिट 40 साल का आदमी जिसका नाम है अजय ने जिम ज्वाइन की है और आज उसके जिम का पहला दिन है। वर्कआउट के वक्त वो अपने पर्सनल ट्रेनर को फोन पे बात करते हुए सुनता है और समझ जाता है कि वो कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजर रहा है। उसका कॉल खत्म होने के बाद वो ट्रेनर से पूछता है, मुझे 45 पाउंड डंबल से बाइसेप कर्ल करना है, इसमें कितना टाइम लगेगा? जितनी मेहनत तुम करोगे तुम्हें उसी हिसाब से रिजल्ट भी मिलेगा, ट्रेनर उसे जवाब देता है। इसका क्या मतलब हुआ? मैं पूछ रहा हूं कि टाइम कितना लगेगा, 1 महीना, 6 महीने या 1 साल? इंस्ट्रक्टर जवाब देता है, यहां पे ऐसे लोग हैं जो 3 महीने में 45 पाउंड का डंबल उठा पाते हैं और कुछ ऐसे जो 5 साल में भी उसे नहीं उठा पाते। ऐसा क्यों? अजय उसे पूछता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 20 और 25 डंबल पे अटके हैं उन्होंने कभी ये डिसीजन ही नहीं लिया कि उन्हें 45 पाउंड का डंबल उठाना है, और जब तक ऐसा नहीं होगा वो लोग उस डंबल को नहीं उठाएंगे। तो अगर तुमने अपनी लाइफ में 45 पाउंड का डंबल उठाने का डिसीजन नहीं लिया है तो तुम उसे उठाना तो दूर कभी हाथ भी नहीं लगाओगे। पहले डिसीजन लो, फिर मैं तुम्हें उस हिसाब से ट्रेन करूंगा। वैसे तुम इतने अनफिट क्यों हो? उसका मजाक उड़ाते हुए ट्रेनर अजय से पूछता है। एक्चुअली मैं अब तक एक दूसरी डंबल उठा रहा था। दूसरी डंबल? क्या मतलब? फिर अजय कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या इस जिम से बाहर निकलकर लाइफ में भी कभी बड़ी सक्सेस उठाने की डिसीजन ली है तुमने? उसका भी वजन बहुत ज्यादा होता है। मैं अब तक वही डंबल उठाने में बिजी था। तुम्हारे फोन कॉल से मुझे समझ में आ गया कि तुम कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजर रहे हो। वो सक्सेस की डंबल उठाने की ट्रेनिंग मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन पहले डिसीजन लो फिर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और एक बात, ये डंबल उठाने में तुम्हें सालों की ट्रेनिंग और जिम से भी ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर तुमने मेरी एडवाइस फॉलो की तुम इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अजय की बात सुनकर ट्रेनर मुस्कुराता है और कहता है, अगर ये सच है मैं ये सक्सेस की डंबल उठाने के लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, चाहे इसमें जितना भी टाइम लग जाए, और मैं 3 महीने में ये 45 पाउंड की डंबल जिम में आपसे उठवा कर रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलो फिर हम दोनों अपनी अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, अजय ट्रेनर से कहता है, और दोनों अपने वर्कआउट में बिजी हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये छोटी कहानी आपको पसंद आई है। आपके टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच।